संचालन सामर्थ्य का लौकिक प्राकट्य। महाशक्ति के संचालन सामर्थ्य का लौकिक प्राकट्य परम पूज्य गुरुदेव की दूसरे हिमालय यात्रा के समय हुआ। पहली बार गुरुदेव जब हिमालय गए थे तब गायत्री तपोभूमि के क्रियाकलापों का विस्तार नहीं हुआ था। सारे कामकाज का केंद्र अखंड ज्योति संस्थान था। हर महीने निश्चित समय पर अखंड ज्योति के प्रकाशन के अलावा दूसरी कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं थी। मिशन का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार न होने के कारण आगंतुक जन भी थोड़े ही थे, लेकिन अब दूसरी बार के हिमालय यात्रा की स्थितियां एकदम अलग थीं। सन 1953 में गायत्री तपोभूमि का निर्माण होने और यहां शिविरों की नियमित प्रक्रिया चल पड़ने से श्रद्धालुओं एवं जिज्ञासुओं के आवागमन का तांता लग गया था। वर्ष 1958 के सहस्र कुंडीय यज्ञ आयोजन ने भी स्थिति को एकदम बदल दिया था। इस यज्ञ आयोजन से देश के बहुसंख्यक बुद्धिजीवी, साधक, राजनेता व विशिष्ट जन गुरुदेव के दैवीय स्वरूप से काफी कुछ परिचित हो गए थे। इनमें से किसी न किसी का प्रायः प्रतिदिन आना जाना लगा रहता था। स्थितियों के इस बहुआयामी परिवर्तन के बाद मिशन में समर्थ संचालक की जरूरत हर पल हर क्षण थी। गुरुदेव के अभाव में इस गुरुतर दायित्व को निभाने की जिम्मेदारी माताजी पर ही थी। हालांकि इस बारे में उन दिनों कई कार्यकर्ताओं के मन में काफी आशंकाएं कुशंकाएं थीं। वे सब सोच भी नहीं पाते थे कि सीधी साधी सरल गृहिणी के भांति जीवन यापन करने वाली माताजी इतने सारे दायित्व को किस तरह निभाएंगी। ये सभी कार्यकर्ता माताजी के भावपक्ष से परिचित होने के बावजूद उनकी बुद्धि कुशलता एवं लोक व्यवहार में दक्षता से प्रायः अपरिचित थे। आपस में इनकी चर्चाएं बड़ी निराशाजनक एवं हताशा भरी होती थी। कभी तो ये कहते कि गुरुदेव के जाने के बाद मिशन बिखर जाएगा, कभी कहते गुरुदेव का इस तरह माताजी के हाथों में सब कुछ छोड़कर हिमालय जाना ठीक नहीं है, सबको खाना खिला देना और बात है, इतने बड़े संगठन को सही तरह से चलाना एकदम अलग बात है। अपनी यात्रा से कुछ पहले इस तरह की चर्चाएं गुरुदेव के कानों में पड़ी तो वे मुस्कुरा दिए और कहा, शंका कुशंका करने वाले भला माताजी के बारे में जानते ही क्या हैं? उन्हें क्या मालूम कि माताजी कौन हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है? अपनी शक्ति सामर्थ्य के एक अंश से सबको समर्थ बनाने वाली माताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। माताजी के दिव्य स्वरूप एवं उनकी दैवी क्षमताओं से अच्छी तरह परिचित गुरुदेव ने बड़ी निश्चिंतता पूर्वक हिमालय के लिए प्रस्थान किया। गुरुदेव के हिमालय चले जाने के बाद माताजी ने मिशन का सारा सूत्र संचालन अपने हाथों में ले लिया। हालांकि उन दिनों उन पर घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा थीं। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, उनसे किसी विशेष मदद की आशा नहीं थी। अकेले अपने दम पर ही उन्हें साधना, गृह कार्य, पत्र लेखन, अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन, प्रकाशन, गायत्री तपोभूमि के कार्यों की देखभाल करनी थी। ये ठीक है कि इन सभी कार्यों में सहयोग के लिए कार्यकर्ता थे, परंतु वे सब के सब सहयोगी नहीं थे। माताजी के दैवी स्वरूप के प्रति अनभिज्ञता एवं श्रद्धा भक्ति के अभाव में इनमें से कुछ की मनस्थिति बड़ी विपन्न हो गई थी। अपनी मानसिक विपन्नता के वश हो वे कभी कभी उल्टे सीधे काम भी कर बैठते थे। परस्पर सहयोग से रहने की बजाय विद्वेष के बीज बोने में भी कोई कोर कसर न छोड़ते। अपने आराध्य के प्रति परिपूर्ण निष्ठा के साथ माताजी दिन रात काम में लगी रहती। घर और मिशन के अनेक तरह के कार्यों के अलावा उन पर कष्ट पीड़ित शिष्यों भक्तों की आध्यात्मिक शक्ति से सहायता करने की जिम्मेदारी भी थी। वे कब कब क्या क्या करती हैं इसे उनके पास रहने वाले लोग भी ठीक तरह से समझ नहीं पाते थे। सभी को बस इतना पता चल पाता कि सारे काम सुचारू ढंग से और सही समय से हो रहे हैं। माताजी के इस दैवी संचालन से वे विपन्न बुद्धि लोग तो बहुत हतप्रभ होते थे जो सहयोग की आड़ में विरोध और विद्वेष के कुचक्र रचते रहते। माताजी उनकी इन षड्यंत्र भरी गतिविधियों से अनजान न थीं, पर उनका अपने इन बुद्धिहीन संतानों के प्रति करुणा भाव था। इन कुपुत्रों के प्रति भी माता के वात्सल्य में कोई कमी नहीं आई थी।
एक बार इन्हीं दिनों गायत्री तपोभूमि में कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया। इस व्यर्थ के झगड़े को सुलझाने के लिए माताजी को जाना पड़ा। वे गईं, सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। सबके ठीक तरह से बैठ जाने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा मैं तुम में से हर एक को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं इस भीड़ में किसी का नाम लेकर उसे शर्मिंदा तो नहीं करूंगी, पर तुम में से जिसने जो कुछ किया उसके कामों का खुलासा कर देती हूँ। उसी से तुम्हें यह अंदाजा लग जाएगा कि मुझे क्या कुछ मालूम है। इसी के साथ माताजी ने हर एक कार्यकर्ता की गड़बड़ियों को गिनाना शुरू कर दिया। आर्थिक गड़बड़ियों के साथ विद्वेष और विरोध के कुचक्रों का वो एक एक करके खुलासा करने लगी। जैसे जैसे वो बोलती जाती, सुनने वालों का सर शर्म से झुकता जाता। सब कुछ कह चुकने के बाद उन्होंने कहा, बेटा अब तक मैं चुप रही। इसका कारण ये नहीं है कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, कारण केवल इतना ही था कि मैं माँ हूँ और माँ हर हाल में अपने बच्चों को प्यार करती है, फिर वे बच्चे कैसे भी क्यों ना हों। रह गई मिशन की बात, तो इसे भगवान ने जन्म दिया है, वही इसे बढ़ा रहा है। चाहे जितने लोग जितनी भी तरह से स्वार्थवश या अपनी कुटिलता के कारण इसका विरोध करें, पर इसे तो हर हाल में बढ़ना ही है। माताजी की बातों को सुनकर सुनने वाले अवाक रह गए। उनमें से जिनकी भावनाएं अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी, जो किसी कारण बहकावे में आकर भटक गए थे, उन्होंने रोते हुए माताजी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। माँ ने भी प्यार से अपने इन अज्ञानी बालकों के सिर पर हाथ फेर कर क्षमा कर दिया। पर कुछ के मन में कलुष अभी बाकी था। उन्होंने पहले तो ये पता करने की कोशिश की कि माताजी को सारी बातें कहां से पता चली। जब अपने इस कोशिश में सब तरह से थक हार गए, तब उन्हें भी माताजी की दिव्य क्षमताओं पर विश्वास करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद वे अपने प्रवृत्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने कारगुजारियां जारी रखी, पर महाशक्ति की संचालन सामर्थ्य से मिशन की संपूर्ण गतिविधियां सुनियोजित एवं सुनियंत्रित रीति से चलती रही। इसी बीच गुरुदेव के हिमालय यात्रा की अवधि भी पूरी हो गई। वो निश्चित समय पर वापस आए। उनके आते ही माताजी ने संचालन सूत्र फिर से उनके हाथों में सौंप दिया। अंतर्यामी गुरुदेव को बिना बताए ही सारी स्थितियां पता चल गईं और उन्होंने दोषी जनों के प्रति कठोर कार्यवाही करने का निश्चय किया। पर यहाँ भी माँ की ममता आड़े आ गई। उन्होंने गुरुदेव से कहा, अब रहने भी दीजिए, वे जैसे हैं मेरे बच्चे हैं। जब गुरुदेव ने मिशन के भावी विस्तार का हवाला देकर उन्हें बहुत समझाया, तो वो जैसे तैसे किसी तरह बहुत दुखी मन से राजी हुई। पर यहाँ भी उन्होंने अपनी शर्त रख दी। वे बोली कि उन्हें नया जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त धनराशि एवं आप अपने द्वारा लिखे गए मौलिक एवं अनुदित साहित्य के प्रकाशन का अधिकार दें। उनके इन बातों पर गुरुदेव हंस पड़े और कहने लगे, आपकी ममता के सामने तो त्रिलोक के स्वामी को भी झुकना पड़ेगा, फिर मेरी क्या मजाल, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। सब कुछ माताजी की सहज संवेदनाओं के अनुसार ही हुआ। जिन आत्मदानियों को अलग किया गया, वे अपने हृदय में माताजी के असीम प्यार की अनुभूति लेकर गए। माताजी की दिव्य शक्तियों और गुरुदेव के तप तेज ने मिशन को फिर से नए प्राण दिए। बीते वर्षों के साथ महाशक्ति के दिव्य साधना स्थल के रूप में शांति कुंज की पृष्ठभूमि बनने लगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।